जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में वृद्ध की घर में गोली मारकर हत्या, बेटे पर हत्या करने की आशंका। इस दुनिया में पैसे और संपत्ति के सामने सारे रिश्ते और संबंध बोने साबित होते हैं और संपत्ति के लालच में सगे संबंधी भी किसी हद तक गुजर जाते हैं। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के लोधियान मोहल्ले से रिश्तों का खून करने का एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर सगे बेटे पर ही अपने पिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लोधियान मोहल्ले में रहने वाले दुर्जन सिंह के दो बेटे थे, जिन्होंने अपने बड़े बेटे चरण सिंह को 5 वर्ष पूर्व घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लगा, जबकि घर पर दुर्जन सिंह का छोटा बेटा शेर सिंह और बेटी आरती ही रहते थे। मकान भी शेर सिंह के नाम ही था। बीती रात शेर सिंह ने गोली मारकर अपने पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बड़े बेटे चरण सिंह ने अपने छोटे भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए एक तहरीर कोतवाली प्रभारी को दी है। क्या हुआ, ये कैसे मौत हुई इनकी, कौन है आपके? ये हमारे पिताजी हैं। कैसे हुई घटना, क्या हुआ ये? पता नहीं, मेरे पास तो रात के 12:30 फोन पहुंचा भैया का, तो भैया वो आती भाई बहन के पास पहुंचा, बहन कह रही कि पापा को गोली मार दी किसी ने, इतनी बात हुई थी मेरी। कहाँ रहते थे? कुर्जा के लोधियान मोहल्ला। क्या नाम है इनका? पापा का दुर्जन सिंह। क्या करते थे? अब तो कुछ नहीं करते थे, घर पे रहते थे। छोड़ मिले और भैया रिक्शा लिखवा कर दिया था, वो भैया रिक्शा चलाता था, कभी कभी पापा भी चले आते थे, कभी मन नहीं लगता था। हत्या का कारण पता है क्या हो सकता है? पता नहीं, कुछ भी।